एक और वीडियो के साथ ये एक किस्म की ना सीरीज ही बन रही है बेसिकली, क्योंकि अट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा देखने वाली, तो मैं इनको एक वीडियो के अंदर कंपाइल नहीं कर सकता। अभी खाना खाया था और अभी मैं जा रहा हूँ कोलोसियम। कोलोसियम सबसे आई थिंक सो रोम की फेमस जगह है। ज़बरदस्त, सुनने में तो यही है कि बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत जगह है। स्ट्रक्चर नुमा बिल्डिंग बड़ा, मतलब कि ना यहाँ पे आई थिंक सो कोई गेम्स टाइप की चीज़ें होती थी कोलोसियम के अंदर। तो अभी जा रहा हूँ कोलोसियम बाय वॉक, कोई 10 से 18 मिनट की वॉक है कोलोसियम की। तो कोलोसियम चलते हैं, आप लोगों को कोलोसियम दिखाते हैं और वहाँ पे जाके कोलोसियम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी ट्राई करता हूँ निकालने की कि कोलोसियम में बेसिकली होता क्या था, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री भी पता लग जाए और आप लोग भी मेरे साथ रोम देख लें अच्छे से। और ये देखें, लोगों को दिखाता हूँ, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। आई एम जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ कोलोसियम। अभी चलते हैं कोलोसियम, आप लोगों को कोलोसियम दिखाते हैं और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, जो कि आप लोगों को वहां पे चल के बताऊंगा। चलिए आपको दिखाते हैं कोलोसियम। सो गाइस, मैं इस वक्त दुनिया की सबसे तारीखी जो बिल्डिंग है ना, बिल्कुल वो मेरे पीछे है, ठीक है। इसकी जो तामीर हुई थी वो 69 से 79 तक जारी रही थी और 80 AD के अंदर आगे कंप्लीट हुई थी। तो ये दुनिया की लार्जेस्ट और सबसे पुरानी बिल्डिंग, इसका इसको एजाज़ हासिल है इस चीज़ का। और ये इटली के शहर, जो कैपिटल है इटली का रोम, उसके अंदर ये मौजूद है और मैं बिल्कुल इसके सामने खड़ा हूँ। और आप लोगों को भी थोड़ा सा नज़ारा करवाता हूँ, पिक्चर शिक्चर लेते हैं यहाँ पे, आप लोग भी देखें। कभी आना हुआ तो आके रेल अपनी आई से देखना, वरना मेरे कैमरे की आँख आप लोगों को दिखाई देगी। ये देखें, बेसिकली ये जो कोलोसियम है ना, ये ट्रेवर टाइम सम टाइप ऑफ लाइमस्टोन का जो पत्थर है उससे बना हुआ है। और कहा जाता है कि एक टाइम पे ये 50 से 80 हज़ार लोगों को यहाँ पे, मतलब कि लोगों को बर्दाश्त कर सकता है उनके वज़न को, ठीक है। और साथ में ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप की बैटल्स होती थी, मतलब के जिसको हम कह रहे हैं गेम्स कह लें,
और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे ऐलानात किए जाते थे, अगर शहर के अंदर कोई ऐलान करना है तो यहाँ से होता था। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्टेस्ट होते थे बैटल्स टाइप, और लोगों को अगर सज़ा देनी होती तो यहाँ पे आके सज़ा दी जाती थी कि सब लोग यहाँ पे देख सकें। और काफ़ी रिच हिस्ट्री है इसकी, फेमस है ये ऑल ओवर दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए। मीन्स टू से रोम के अंदर जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली चीज़ है ना तो ये है, कोलोसियम है यहाँ पे रोम के अंदर। रोम की वजह, जो अट्रैक्शन की वजह है वो कोलोसियम ही है, क्योंकि जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कोलोसियम ही आएगा रोम के लिए। तो ये चीज़ है, ये छोटी सी थोड़ी सी हिस्ट्री थी इसकी कि 50 से 80 हज़ार लोगों की कैपेसिटी थी यहाँ पे बैठने के लिए। फिर बाद में यहाँ पे कॉन्टेस्ट होने लग गए हैं, बाद में यहाँ पे ड्रामास वगैरह भी हुए हैं, मतलब कि डिफरेंट एराज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स के लिए इसको यूज़ किया गया है। और साथ में यार ये मोरक्कियों का सेम वही काम है जो बार्सिलोना में होता था, यहाँ पे भी ये लड़ाई के साथ कर रहे हैं, ये इनका कोई रोला बना हुआ है साथ। तो खैर इन लोगों ने सारे मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया हुआ है, स्पेन में भी यही सूरत हाल है और यहाँ पे इटली में भी मैं यही देख रहा हूँ। ये बच्चे हैं, पता नहीं किस टाइप के बच्चे हैं ये लोग इनके। खैर हमारा इनसे क्या लेना देना, अभी बैठा हूँ धूप के अंदर, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, धूप निकली हुई है, क्लोसिन के सामने बैठा हूँ, इन्जॉय करो गाइज, पैसा कमाओ, दुनिया घूमो, माही व्लॉग से रब्ता करो, स्टूडेंट वीज़ा लगवाओ, थोड़े से पैसे दो और सीधा स्पेन आ जाओ, सॉरी इटली आ जाओ और इन्जॉय करो, शेंगेन के किसी भी एरिया में आ जाओ, घूमो फिरो और अपनी लाइफ को इन्जॉय करो। ये देखें इन्होंने रोला डाला, ये इन्होंने यहाँ पे रोला डाला हुआ है 16 साल बाले। तो ये देख सकते हैं वो मुझे कह रहा है कि यार तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, हरामी है कोई। सो ये देख लें आप, क्लोसियम के बिल्कुल मैं सामने बैठा हूँ, काफ़ी बच्चे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे मोरक्कीज के। तो अभी थोड़ी देर में निकलता हूँ होटल के लिए, वहाँ पे जाके आराम करूँगा क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ। तो यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में। यार पहले दिन टाइम आप लोगों को क्लोसियम का जो व्यू था वो डे टाइम का दिखाया था, और अब जो व्यू है वो नाइट टाइम का है, आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त, मतलब कि लाइट्स जल रही हैं। तो मैं तो समझ रहा था शायद क्लोज हो गया होगा, मगर ये लाइट्स इनकी आई थिंक सो जलती रहती हैं। तो आइए आप लोगों को नाइट व्यू दिखाते हैं और फिर इस व्लॉग को करेंगे हम एंड।